वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज फातिमा और आज मैं आई हूँ विवीपुरम स्ट्रीट फूड में। यहाँ का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने वाले। प्लेस इज फेमस फॉर इट्स वेजिटेरियन फूड एंड इट्स फूड इज हेवन फॉर श्योर। यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम चाइनीज टू साउथ इंडियन, फ्रॉम स्वीट टू स्पाइसी, इन एवरी वराइटी। रियली हंग्री एंड एक्साइटेड टू ट्राई, सो लेट्स डिग इन। शेजवान नूडल्स जो काफी यम एंड टेम्पटिंग दिख रहे हैं, और ना शेजवान चटनी, खूब सारे मसाले जिससे मुझे इसको खाने का मन कर गया, तो मुझे बहुत भूख लग गई है। तो लेट्स डिग इन। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पीसेस डाले हैं। मैंने शेजवान नूडल्स दिया था, प्लस मैंने टॉपिंग्स वहाँ के मंचूरियन की लगाई थी, विच कॉस्टेड मी अराउंड 20 rupees फॉर द टॉपिंग एंड नूडल्स आर फॉर 80 rupees। काफ़ी अच्छा मंचूरियन, काफ़ी क्रिस्पी है एंड नूडल्स का स्पाइस बहुत अच्छा है। शेजवान चटनी का भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ रहा है, मैंने काफ़ी नहीं डाला बिकॉज शेजवान चटनी में एवरीथिंग लिटिल स्पाइसी, विच आई डोंट लाइक, इट्स रियली टेस्टी। आई हैव एक्स्ट्रा स्पून, इफ यू वांट टू जॉइन मी यू कैन कम। कैसा नहीं खाना है ओका, वो जो लिक्विड है उसे पीना नहीं। मैंने लिया है चोको वेफर विच इज डिप्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, जो काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ के लिए और ये काफी फेमस है यहाँ पर, तो चलिए ट्राई करते हैं। ओ आई कांट होल्ड इट, इसका लिक्विड नाइट्रोजन थोड़ा दब गया है। टेस्ट में ओके ही है, कुछ इतना खास नहीं है। वेफर ही है, वेफर के ऊपर इन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन डाल दिया था तो उससे सिर्फ स्मोक आ रहा है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस फॉर वंस, इतना खास नहीं है बट ओके फॉर वंस यू कैन ट्राई इफ यू हैवंट ट्राइड दिस। पब्लिक काफ़ी बढ़ गई है तो आपको शोर भी ज़्यादा होगा और मैं माइक घर पर भूल के जाऊँ, आवाज़ आपको बराबर से नहीं आएगी। आई एम सो सॉरी बट प्लीज़ बेयर विथ मी। मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए ताकि मैं न्यू माइक ले सकूँ। चलिए ट्राई करते हैं कि पाव भाजी। काफ़ी अच्छी है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट बिल्कुल मुंबई स्टाइल पाव भाजी है, काफ़ी अच्छी है। भाजी को ना अच्छे से उन्होंने फूल अच्छे से उनको मसला था, पूरे मसाले उन्होंने इतने अच्छे से डाले, बटर उन्होंने खूब सारा डाला, मिर्ची उन्होंने अच्छे से उसको घोटा है जिससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। अब देख सकते हैं इसने अच्छे से पोटैटो को मैश करके पीस डाले हैं, गाजर डाला है, देन इन्होंने जर्नी एंड करनी थी ऑन ए स्वीट नोट, जैसे कि मैं हर वीडियो में करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं उनके मटका रबड़ी विच कॉस्टेड मी अराउंड 70 bucks फॉर दिस क्वान्टिटी, दिस क्वान्टिटी इज रियली लेस, तो मेरे हिसाब से पता नहीं वर्थ है कि नहीं, तो ट्राई करके पता चलेगा, बट क्रीमी तो बहुत दिख रही है और टेस्टी तो बहुत दिख रही है, तो चलिए ट्राई करते हैं। बहुत दम मनी, काफ़ी रिच है रबड़ी, इज़ वेरी गुड, और ऊपर से इन्होंने पिस्ता टॉपिंग डाली है विद द चेरी। आई डोंट लाइक चेरी तो मैं इसको प्लक कर दूंगी, बट पिस्ता के साथ रबड़ी काफ़ी अच्छी दिख रही है। इट्स रियली रिच एंड नॉट टू स्वीट, इट्स रियली गुड, रियली रियली गुड, इट्स वर्थ। आई कैन गिव 70 bucks फॉर दिस मटका पनीर, इट्स रियली रियली गुड।
should definitely try this chaat shop. They have varieties of options to try, from momos to potato twisters, from chaat to sweets. There are varieties of options, so I hope aap chaat shop ko zarur choose kare. Okay everyone, so I am ending this video and I hope aapko ye video pasand aaya ho. Let me know in the comments agar aapko iska part 2 chahiye. I can do the part 2 because aisi kaafi cheez hai jo maine abhi explore nahi ki hai yahan par. So let me know in the comments agar aapko part 2 chahiye to, and mujhe comments mein batana aapko mera part 1 kaisa laga, and I hope aapko pasand hai because I really work hard for this. So yeah, agar aapne mere channel ko subscribe nahi kiya to please kar lijiye. And इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए सो दैट आई गेट मोटिवेशन टू मेक अनदर वीडियोज. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड प्रिकॉशन लेते रहिए मेरी तरह. एंड ओके.